उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से महज चंद दिन पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि एक दिन पहले हरीश रावत ने डीडी हाट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास प्रस्ताव भेजा था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत हालत में बताई जा रही है और पूरा चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से दूरी बना सकते हैं। जी हां, दरअसल हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने का संकेत दिया है। हालांकि रावत ने कहा है कि आखिरी फैसला कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही लेगी। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य चुनाव जीतना है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आ रही थी कि हरीश रावत डीडी हाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस आलाकमान के पास भी भेजा गया था। डीडी हाट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल 5 बार से विधायक हैं। यहां कांग्रेस के सभी दावेदारों ने हरीश रावत को चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। फिलहाल कांग्रेस के पास कैंपेन करने वाले नेताओं की कमी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, जिनको सभी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करना होगा। वहीं प्रियंका गांधी पर यूपी की जिम्मेदारी है और उत्तराखंड में पार्टी के पास लोकल कनेक्ट के नाम पर बड़ा चेहरा हरीश रावत का ही बचता है। फिर भी पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़े दलों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस इस चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुकाबला मजबूत है और कोई भी दल किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।